हेलो दोस्तों, आज आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, रूपांतरण के बारे में, जो एक माइक्रोबियल जेनेटिक्स का टॉपिक है। रूपांतरण किसने खोजा, रूपांतरण क्या होता है, इसको लेकर क्या क्या प्रयोग हुए, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो बिना समय के वाले टॉपिक को शुरू करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन यानी हिंदी में कहते हैं रूपांतरण। ट्रांसफॉर्मेशन की खोज सबसे पहले फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने की थी 1928 के अंदर। क्योंकि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने इसकी खोज की थी तो इसे ग्रिफिथ इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन को ग्रिफिथ इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो जब ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन की खोज की तो वो जो न्यूमोनिया रोग होता है, न्यूमोनिया डिजीज होती है, उसका जो वायरस सॉरी बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, उसके ऊपर काम कर रहे थे। ग्रिफिथ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के ऊपर काम कर रहे थे, जो न्यूमोनिया रोग के लिए उत्तरदायी होता है। तो जो ये बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, इसके दो स्ट्रेन पाए जाते हैं। एक होता है रफ स्ट्रेन और एक होता है स्मूथ स्ट्रेन। जो रफ स्ट्रेन है उसके अंदर बैक्टीरिया के बाद सबसे पहले जो परतें पाई जाती है उसमें सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके बाद सेल वॉल पाई जाती है। ये दो कवर पाए जाते हैं रफ स्ट्रेन के अंदर। और जो ये स्मूथ स्ट्रेन है इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है सबसे पहले, उसके बाद सेल वॉल और उसके बाद इसमें पॉलीसेकेराइड का एक कैप्सूल पाया जाता है। और जो रफ स्ट्रेन है उसमें कैप्सूल नहीं पाया जाता। इसी कारण रफ स्ट्रेन की जो सरफेस है वो रफ होती है, खुरदरी होती है, और स्मूथ स्ट्रेन में ये कैप्सूल पाए जाने के कारण इसकी जो सरफेस है वो स्मूथ होती है, मुलायम होती है। और इसी कैप्सूल के कारण जो ये कैप्सूल पाया जाता है बाहर, इसी के कारण न्यूमोनिया रोग उत्पन्न होता है। क्योंकि रफ स्ट्रेन में ये कैप्सूल नहीं पाया जाता इसलिए रफ स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट होता है, यानी इसके कारण निमोनिया नहीं बनता किसी भी प्राणी के अंदर। और जो स्मूथ स्ट्रेन है उसमें ये कैप्सूल पाए जाने के कारण ये वायरुलेंट होता है, यानी अगर स्मूथ स्ट्रेन किसी में प्रवेश करता है तो उसमें निमोनिया रोग होगा, निमोनिया उत्पन्न होगा। और जो ये रफ स्ट्रेन और स्मूथ स्ट्रेन है इनके भी कई प्रभेद पाए जाते हैं। जैसे रफ स्ट्रेन के प्रभेद हैं आर सेकंड, आर थर्ड, आर फोर्थ, और स्मूथ स्ट्रेन के भी इसी प्रकार हैं एस सेकंड, एस थर्ड, एस फोर्थ। जो ग्रिफिथ थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो रफ स्ट्रेन है उसका तो लिया आर सेकंड प्रभेद, और जो स्मूथ स्ट्रेन है उसका लिया एस थर्ड प्रभेद। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को 4 चरणों के अंदर जो है पूरा किया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो आर सेकंड प्रभेद का बैक्टीरिया है उसको रेट के अंदर इंसर्ट कराया, जिससे रेट के अंदर न्यूमोनिया रोग उत्पन्न नहीं हुआ। क्योंकि अभी मैंने बताया कि इसके अंदर आर सेकंड यानी रफ स्ट्रेन, इसके अंदर कैप्सूल नहीं पाया जाता, ये कोई किसी प्रकार का रोग उत्पन्न नहीं करता, ये नॉन वायरलेंट होता है। तो चूहे के अंदर न्यूमोनिया रोग उत्पन्न नहीं हुआ और चूहा जिंदा रहा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एस थर्ड जो प्रभेद है वो इंसर्ट कराया रेट के अंदर। तो एस थर्ड के अंदर हमने बात की कैप्सूल पाया जाता है और इसे जो न्यूमोनिया रोग उत्पन्न होता है जिससे चूहे की मृत्यु हो जाती है, चूहा डेड हो जाता है। इसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि जो एस थर्ड प्रभेद था, वायरुलेंट प्रभेद था, उसको हीट किल्ड किया, उसको उबाल कर हीट किल्ड किया, उष्मा देकर, और फिर रेट के अंदर इंसर्ट कराया। तो उन्होंने देखा कि चूहा जिंदा है, चूहा जिंदा है। तो जब उन्होंने हीट किल्ड किया तो इसका मतलब जब उन्होंने इसको उबाला, हीट किल्ड किया, तो जो इसका कैप्सूल था वो टूट गया। जो एस थर्ड के बाद कैप्सूल था टूट गया। और हमने बात की कैप्सूल के, एक कैप्सूल का अंतर होता है और इसी कैप्सूल के कारण जो है जो
निमोनिया रोग उत्पन्न होता है और चूहा मरता है। तो इन्होंने हीट किल किया तो वो कैप्सूल टूट गया, जिससे चूहा जिंदा रहा, निमोनिया रोग नहीं हुआ उसके अंदर। उसके बाद इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया जिसमें इन्होंने हीट किल्ड एस थर्ड प्रभेद लिया और आर सेकंड प्रभेद को उसके अंदर मिलाया। तो इन्होंने देखा कि जब उन्होंने रेट के अंदर इसको इंसर्ट कराया तो चूहा डेड हो गया, चूहा डेड हो गया। अब जो ये कैप्सूल है पॉलीसेकेराइड का, इसके जो हम मान पॉलीसेकेराइड ये कहीं ना कहीं डीएनए के द्वारा कंट्रोल होता है। डीएनए कोई ऐसी सीक्वेंस पाई जाती है एस थर्ड जो प्रभेद है या स्मूथ स्ट्रेन है बैक्टीरिया का, उस सीक्वेंस के द्वारा इस कैप्सूल का निर्माण होता है। तो जब हीट किल हमने किया एस थर्ड प्रभेद को तो इसका कैप्सूल टूट जाता है, इसका जो डीएनए है वो डीनेचर हो जाता है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर टूट जाता है। जब डीएनए फ्रेगमेंट्स के अंदर टूट जाता है तो इसका जो डीएनए है वो आर सेकंड के अंदर एंटर कर लेता है और आर सेकंड है उसके अंदर कैप्सूल का निर्माण हो जाता है, और कैप्सूल के निर्माण होने से आर थर्ड प्रभेद है वो एस थर्ड के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। आर सेकंड बैक्टीरिया का आर एस थर्ड बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्म होना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, और जब आर सेकंड एस थर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो जो रेट है उसके अंदर निमोनिया रोग उत्पन्न हो जाता है, और निमोनिया के उत्पन्न होने से चूहे की मृत्यु हो जाती है। इसको एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये एस थर्ड है, इसके अंदर तीन कवर है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल और ये कैप्सूल। और ये आर सेकंड है, ये इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और सेल वॉल, कैप्सूल इसमें नहीं पाया जाता। तो ये हीट किल्ड है, वैसे तो ये टूटा हुआ है पर मैंने इसको पूरा बनाया है। तो जब इन दोनों को एक साथ मिलाया जाता है तो ये जो आर सेकंड है इसके अंदर, ये एस थर्ड है, इसके अंदर भी एक कैप्सूल का निर्माण हो जाता है, एक कैप्सूल का निर्माण हो जाता है, और आर सेकंड है वो ट्रांसफॉर्म होता है एस थर्ड के अंदर। और ये जो प्रोसेस है इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, रूपांतरण कहते हैं, और ग्रिफिथ ने इसकी खोज की थी इसलिए इसे ग्रिफिथ प्रभाव भी कहते हैं। अब बाद में ये क्वेश्चन आया कि भाई आर सेकंड एस थर्ड के अंदर रूपांतरित होता है, इसका कारण क्या है? अभी तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें कुछ डीएनए सीक्वेंस होती है एस थर्ड के अंदर जिसके कारण इसके अंदर कैप्सूल का निर्माण होता है, और वहीं डीएनए की का जो फ्रेगमेंट है कोई फ्रेगमेंट आर सेकंड के अंदर एंटर कर जाता है जिसके कारण इसके अंदर कैप्सूल बनता है, पर पहले ये पता नहीं था। ये सब ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस डीएनए के कारण होती है, इसका पता तीन वैज्ञानिकों ने लगाया ग्रिफिथ के बाद में, उसकी चर्चा मैं आपसे करूंगा। इन्होंने भी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर स्टडी की थी। वो तीन वैज्ञानिक थे, एवरी, मैक्लियोड और मैकार्थी। 1944 में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इन विट्रो एक्सपेरिमेंट किया, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एस थर्ड और वो भी हीट किल लिया, हीट किल लिया
और इस एस थर्ड से लिपिड ये सॉल्यूशन था और इससे लिपिड और शुगर इन दोनों को बाहर निकाल दिया, लिपिड शुगर को बाहर निकाल दिया। फिर इसके तीन भाग किए इन्होंने, इसके अंदर इन्होंने ने डाला प्रोटीनेज एंजाइम, जो प्रोटीन को डिजोल्व करता है वो एंजाइम इन्होंने इसमें डाला। इसमें जो आरएनए को डिजोल्व करता है, आरएनए को नष्ट करता है, आरएनएज एंजाइम वो इन्होंने डाला इसमें। इन्होंने डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिएज, राइबो न्यूक्लिएज, प्रोटीएज एंजाइम डाला। तो इसमें प्रोटीन को नष्ट किया, इसमें आरएनए को और इसमें डीएनए को। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन सब के अंदर आर सेकेंड प्रभेद को का जो सॉल्यूशन था, जो आर सेकेंड प्रभेद का सॉल्यूशन था, आर सेकेंड बैक्टीरिया थे, उसको इंसर्ट कराया इन तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो इन्होंने देखा कि जिसके अंदर इन्होंने प्रोटीन को नष्ट किया था उसके अंदर एस थर्ड बैक्टीरिया बनते हैं, यानी आर सेकेंड का ट्रांसफॉर्मेशन एस थर्ड के अंदर होता है। जिसके अंदर आरएनए को इन्होंने नष्ट किया था उसके अंदर भी एस थर्ड पाए गए, जो एस थर्ड बैक्टीरिया है वो पाए गए, यानी इसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। पर जिसमें इन्होंने डीएनए को डीनेचर किया था, डिस्ट्रॉय किया था, उसके अंदर एस थर्ड नहीं पाया गया। तो इससे ये प्रूव हुआ कि जो एस थर्ड के अंदर वायरुलेंट प्रॉपर्टी है, जो कैप्सूल का निर्माण होता है वो डीएनए के कारण होता है, और ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस केवल डीएनए के कारण ही हो सकती है। यदि डीएनए, अब इन दोनों के अंदर इसमें आरएनए नहीं है पर इसमें डीएनए है, इसमें प्रोटीन नहीं है पर आरएनए डीएनए इसमें है, तो डीएनए इसमें भी है इसमें भी है, तो डीएनए के होने के कारण वो डीएनए फ्रेगमेंट आर सेकेंड के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं एस थर्ड के अंदर। पर इसमें डीएनए को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो डिस्ट्रॉय करने से आर सेकेंड प्रभेद है वो ट्रांसफॉर्म नहीं होते हैं एस थर्ड के अंदर। और ये एक्सपेरिमेंट किए थे एवरी मैकलियोड और मैकार्टी ने। आई होप आपको ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया होगा, और इसकी जो डिटेल मैकेनिज्म है कि ये कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं, मैं आपको ये अगली वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। तो आई होप आपको सबको ये समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाए आपका, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।